हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब्स ऑन ट्रिक एजुकेशन। आज इंग्लिश रो मॉक टेस्ट 26 को प्रैक्टिस करिबा। जेउ माने 1 रु 25 पर्यंत मॉक टेस्ट देखि नांदे प्लेलिस्ट अछि जे कि देखि परिबे। आ अल्प दिन एग्जाम रहिला आपण माने जानिथिबे। चलंतु आ डेरी करिबेने आज रो मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर दबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 1 देछि इट इज डैश यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आम यूनिवर्सिटी पूर्व बसइबा आर्टिकल। देखो यूनिवर्सिटी को उच्चारण करूँ, कनसोनांट साउंड आसो। जेहेतु कनसोनांट साउंड आस साउंड आस यूनिवर्सिटी यू रो स्टार्ट होनसोनांट साउंड आसपाईठार ए आर्टिकल यूज होट आंसर टी ऑप्शन सी। देखो भावल अच्छी यू रु स्टार्ट कि उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने फल कनसोनांट साउंड आसा ताहले ए आर्टिकल यूज हे। जदि भावल साउंड आसा ताहले आन आर्टिकल यूज हे। ओके, यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हो। द आर्टिकल के स्पेसिफिक डेफिनेट द आर्टिकल यूज होता है, आपने समस्त जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इयर टाई डज नॉट गो वेल डैश योर शर्ट। ऑप्शन ए अबव, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी ओवर। इयर टाई डज नॉट गो वेल विथ योर शर्ट होर करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन बी विथ योर शर्ट। तुम शर्ट सहित तुम टाई टी मैंने ठीक ठाक लगुनि, तुम शर्ट सहित टाई टी ठीक लगुनि, डज नॉट गो वेल भल देखा। ओके, ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी ग्रुप, ना ऑप्शन डी लीटर। यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन बी लीटर। द लीटर ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। लीटर कौन एल आई टी टी ईआर। यही लीटर कौन ए नंबर ऑफ बेबी एनिमल्स दैट वन अनदर गिव्स बर्थ टू आट द सेम टाइम से लीटर। ओके, लीटर ऑफ पपीज होता है। ऑप्शन ए गैंग हवनी, गैंग ऑफ थीप्स हो, चोर मान गैंग बोली कहुए। ऑप्शन सी ग्रुप हवनी, ग्रुप ऑफ पीपल। ऑप्शन डी लीटर हवनी, ये लीटर अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। गिवन इडियम फ्रेज देखिए ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड अर्थ कौन, सठिक अर्थटी कौन हो। ब्रोकन रीड मान अविश्वासी व्यक्ति को ब्रोकन रीड बोली कह। ऑप्शन ए प्रॉस्परस और अफ्लुएंट डेस। ऑप्शन बी टू टेक ओवर ए जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम अदर पर्सन। ऑप्शन सी गुड और बैड टाइम्स, ना ऑप्शन डी ए वीक अनरिलायबल पर्सन। यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन डी ए वीक अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल माने जहाँ को विश्वास करहबनी। ओके, अविश्वासी। ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दी ही वेंट देयर डैश। ऑप्शन ए ऑन फुट, ऑप्शन बी वॉकिंग ऑन फुट, ऑप्शन सी बाय फुट, ना ऑप्शन डी विथ फुट। ही वेंट देयर ऑन फुट हो, पादरे चल चली से गला ना सेठा को बुझेला ऑन फुट हो। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो, ऑन फुट होता है, फुट पूर्व ऑन प्रिपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए रामा टुक हिज डैश फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। ऑप्शन ए अवेंज, ऑप्शन बी वेंजेंस, ऑप्शन सी रिवेंज, ना ऑप्शन डी रावेज। रामा टुक हिज रिवेंज फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। ता सहित जहाँ भूल होता ता सहित जो रंग होता से कौन ना से प्रतिशोध नेला तो रिवेंज हो। रिवेंज अर्थ हो प्रतिशोध। ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हो, अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन सी रिवेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सी डैश ए ब्यूटीफुल सॉन्ग आर द टैलेंट शो लास्ट नाइट। ऑप्शन ए सिंग, ऑप्शन बी सिंगिंग, ऑप्शन सी सिंग्स, ना ऑप्शन डी सैंग। लास्ट नाइट कथा कहुच्छे मैंने अलरेडी पास्ट हो गला तेल वी टू फॉर्म रो यूज हम पास्ट सिंपल सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन डी सी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग आर द टैलेंट शो लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कूल आज ए कुकुम्बर। यार सठिक अर्थ कौन हो, ये हूँ गोटे इडियम फ्रेज। यार अर्थ कौन हो, ऑप्शन ए वेरी काम एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी इन ऑर्डर और नीट एंड क्लीन, ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड, ना ऑप्शन डी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। कूल आज ए कुकुम्बर, कुकुम्बर कौन काकुड़ी, काकुड़ी टाइप कूल रहा मैंने वेरी काम एंड कंट्रोल रहा धैर्यवान। सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन ए वेरी काम एंड कंट्रोल, काम मैंने शांत। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो, यार सठिक अर्थ हो वेरी काम एंड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। नो एरर, देखिबा ये सेंटेंस रे केउठारे एरर अछि ना किछि एरर नाही। 10 माइल्स वो प्लुराल इन फॉर्म, माइल्स अछि माने प्लुराल देखा हो छि, तो बहुत पिला आंसर करंती नो एरर।
जोटा कि संपूर्ण रूपे भूल। देखो 10 miles एक सिंगुलर यूनिट को सूचित कर 10 mile कथा कह जेहेतु सिंगुलर यूनिट को सूचित करते सिंगुलर भर्ब यूज हवा कथा 10 mile इज हेब 10 miles इज हवा कथा आर देता से यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रे देखो ए अच्छी सो यार करेक्ट आंसर टी होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड टी देखिए डॉलफुल। डॉलफुल सिनोनिम बा प्रतिशब्द कौन हो ऑप्शन ए यंग ऑप्शन बी सरफुल ऑप्शन सी फर्टेल ना ऑप्शन डी गेन। डॉलफुल प्रतिशब्द हो सरफुल सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन बी सरफुल सर मन फुल हो पार मानते दुखित। ओके ऑप्शन ए यंग हेनी यंग तो आपने जानते यंग युवक यंग आपण मैंने सब यंग पिला। ऑप्शन सी देखु फर्टेल। फर्टेल कौन फर्टेल हूँ भविष्यवाणी देवा मानते आगुति किसी कथा कहीदे या हम से हम से भविष्यवाणी फर्टेल। ऑप्शन सी है से ऑप्शन डी तो आपने भल भाव जानते गेन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए व्हाट ए डैश हॉलीडे। देखो एक्सक्लामेटरी चिन्ह अच्छी ऑप्शन ए मोमेंटस ऑप्शन बी मेमोरेबल ऑप्शन सी मोमेंटरी ना ऑप्शन डी इमोर्टल। व्हाट ए मेमोरेबल हॉलीडे बुझी मानते के अनफर्गेटेबल हॉलीडे थिला बुझी मेमोरेबल अनफर्गेटेबल जहाँ को भूली हेनी। ओके अभूला ऑप्शन सी मोमेंटस। ऑप्शन ए मोमेंटस हेनी मोमेंटस कौन मोमेंटस हूँ सबुठ महत्वपूर्ण ताको मोमेंटस बोली कह जाए। ऑप्शन सी मोमेंटरी हेनी मोमेंटरी मानने ब्रीफ संक्षिप्त बा शॉर्ट ब्रीफ हो पार शॉर्ट हो पार मानने क्षणस्थायी मानने क्षणिक। ऑप्शन डी इमोर्टल। इमोर्टल मानने इमोर्टल अर्थ हूँ अमर अविस्मरणीय सीटा हूँ इमोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दुईटा इवेंट्स मध्य इंटरवल जो थाए ताको कौन कह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंटरल्यूड ऑप्शन बी स्केपगॉट ऑप्शन सी इटिनेरेंट ऑप्शन डी पॉलीग्लॉट। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड इंटरल्यूड सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन ए। ऑप्शन बी स्केपगॉट हेनी स्केपगॉट हूँ वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स स्केपगॉट। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो। ऑप्शन सी हेनी ऑप्शन सी कौन वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेटा हूँ इटिनेरेंट तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा। पॉलीग्लॉट कौन पॉलीग्लॉट हूँ पर्सन हैविंग कमांड ओवर मेनी लैंग्वेजेस सेटा हूँ पॉलीग्लॉट जार बहुत लैंग्वेज उपरे नॉलेज थी लैंग्वेज से जानी थी। ओके सेटा हूँ पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आई विल कंप्लीट माय प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। ये हूँ एक्टिव पैसिव क्वेश्चन देखते विल कंप्लीट देखिए एठार सब्जेक्ट हूँ आई भर हूँ विल कंप्लीट एवं ऑब्जेक्ट हूँ माय प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। माय प्रोजेक्ट हूँ ऑब्जेक्ट बुझीगला जेहेतु एक्टिव रे अच्छी आम पैसिव रे कन्वर्ट कले कौन हो ना विल बी लगे विल थिले बी लगी थे आपण मैंने जानते समस्ते विल बी प्लस भर्ब थर्ड फॉर्म हो कंप्लीट कंप्लीटेड हो विल बी भर्ब थर्ड फॉर्म के ऑप्शन अच्छे देखते ऑप्शन ए रे ना टोटाली एलिमिनेट करूँ। ऑप्शन बी रे विल बी कंप्लीटेड अच्छे ऑप्शन सी रे विल बी कंप्लीटेड अच्छे किंतु ऑप्शन डी रे ना से ऑप्शन डी टोटाली एलिमिनेट होगा। ताले एक्टिव पैसिव रे कौन होता है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह को जाए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह को आए ताले आईटा कौन हो आई हूँ मी हो ऑब्जेक्ट प्रथम आसव सब्जेक्ट जगह को माई प्रोजेक्ट प्रथम आसव तो ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा कहीं एठार नेक्स्ट वीक माई प्रोजेक्ट देता बुझेगा माई प्रोजेक्ट प्रथम आसवा कथा से यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मी नेक्स्ट वीक क्लियर कहीं ऑप्शन सी है बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बाछवा ऑप्शन ए अकरेन्स ऑप्शन बी अकरेन्स ऑप्शन सी अकरेन्स ना ऑप्शन डी अकरेन्स। प्रथम आम करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आम प्रथम रफ्रे लिखि ना अकरेन्स ओ सी सी यू आर आर ई एन सी ई अकरेन्स। अकरेन्स मैंने कौन घटना देखो कहीं ऑप्शन अच्छे ऑप्शन बी रे अच्छे सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन बी। जितेबाला से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पचार आपण मैंने रफ्रे प्लीज लिखिने ऑप्शन देखिक कन्फ्यूज पड़े ना टोटाली कन्फ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आन एरिया कंट्रोल बाय ए रूलर। ये हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आन एरिया कंट्रोल बाय ए रूलर इज कॉल्ड ऑप्शन ए डेलरिट ऑप्शन सी डोमिनियन ऑप्शन सी इराडिकेट ना ऑप्शन डी गैलरी। यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन बी डोमिनियन डोमिनियन कहु एक पदर प्रकाश कले डोमिनियन। ऑप्शन ए डेरेलिक्ट हेनी डेरेलिक्ट कौन डेरेलिक्ट हूँ ए पर्सन विदाउट ए होम जॉब और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डेरेलिक्ट।
ଯେକୌଣସି ଲୋକର ହୋମ୍ ନଥିବ, ଘର ନଥିବ, ଜବ୍ ନଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେରେଲିକ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ଇରାଡିକେଟ୍ ହେବନି କିମ୍ବା ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଦେଇଛି, ନାଇଦର ଶ୍ୟାମ ଦାସ ରହିତ କେମ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଟୁଡ଼େ। ଅପସନ୍ ଏ ବଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ନର୍, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍, ଅପସନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ନା ଅପସନ୍ ଡି ନର୍। ନାଇଦର ଅଲୱେଜ୍ ନର୍କୁ ନେଇଥାଏ, ନାଇଦର ନର୍ ହେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଇଦର ଅର୍, ନାଇଦର ନର୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲସୋ, ଓକେ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଦେଇଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ। ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ବାଛିବା, ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି କାଷ୍ଟିଗେଟ୍। କାଷ୍ଟିଗେଟ୍ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ରିୱାର୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ରିବ୍ୟୁକ୍, ଅପସନ୍ ସି ଡେକୋରେଟ୍, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଏନକରେଜ୍। କାଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ମାନେ ରିବ୍ୟୁକ୍ କରିବା, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କାଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା, ରିବ୍ୟୁକ୍ କରିବା, ଓକେ। ଅପସନ୍ ଏ ରିୱାର୍ଡ ହେବନି, ରିୱାର୍ଡ ଦେବା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏନକରେଜ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଦେଇଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ। କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ବାଛିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମିନେଟ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡକୁ ରଫ୍ରେ ଲେଖିନେବା। ରଫ୍ରେ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଓକେ। ଡୋମିନାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା, ଡୋମିନାଣ୍ଟ, ଡି ଓ ଏମ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଏ ଏନ୍ ଟି, ଡୋମିନାଣ୍ଟ। ଡୋମିନାଣ୍ଟ କ'ଣ? ଡୋମିନାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ, ପ୍ରଧାନ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତାର ମିନିଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବନି, ବି ହେବନି କିମ୍ବା ସି ହେବନି, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ଡୋମିନାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନଟିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନଟିନ୍ ଦେଇଛି, ରୁବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ହର୍ ରୁପିସ୍ 1000 ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ। ରୁବି ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ତାକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ତା ପରଦିନ 1000 ଦେବି ବୋଲି, ବୁଝିହେଲା, ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ବି ହେବ, ସି ହେବ ନା ଡି ହେବ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ରୁବି ସେଡ୍ ଟୁ ମି ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଣ୍ଡ ମି ରୁପିସ୍ 1000 ଟୁମର। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଥିଲେ ଟୁମର, ଟୁମର ହେଲେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଟୁମର ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁବି ସେଡ୍ ଟୁ ମି, ରୁବି ମୋତେ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଣ୍ଡ ମି, ମୋତେ 1000 ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୁବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ହର୍, ମିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହର୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା, ଟୁମର ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ କାହିଁକି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ କାହିଁକି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ନେକ୍ସଟ ଡେକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେହିପରି ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ଡେର ଟୁମର ହେଇଥାଏ ନା। ଅପସନ୍ ବି କାହିଁକି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁବି ସେଡ୍ ଟୁ ମି ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଣ୍ଡ ହର୍ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଣ୍ଡ ମି ହେଇଯିବ? ରୁବି ମୋତେ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଣ୍ଡ ମି, ମୋତେ 1000 ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଅ, ତାହେଲେ ଲେଣ୍ଡ ହର୍ ହେବ କି? ହର୍ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ସି ବି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ। କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ରଫ୍ରେ ଲେଖିନେବେ, ଆଉ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିବେନି, ଅପସନ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ରଫ୍ରେ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇଲଗ୍, ଅପସନ୍ ବି ଜିରାଫ୍, ଅପସନ୍ ସି ସିଜର୍ସ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ହ୍ୟୁମରସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସିଜର୍ସ। ସିଜର୍ସ ମାନେ କଇଁଚି। ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଡି ଆଇ ଏ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡି ଆଇ ଓ ଦେଇଛି, ଡି ଆଇ ଏ ଏଲ୍ ଓ ଜି ୟୁ ଇ, ଓକେ। ଅପସନ୍ ବି ଜିରାଫ୍, ଜିରାଫ୍ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଏଇଆ କି? ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଏଇଆ କି? ନୋ, ଏଫ୍ 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 ଇ ହେବା କଥା, ଜି ଆଇ ଆର୍ ଏ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଇ। ଅପସନ୍ ଡି ହ୍ୟୁମରସ୍, ହ୍ୟୁମରସ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହେବା କଥା? ଏଚ୍ ୟୁ ଏମ୍ ଓ ଆର୍ ଓ ୟୁ ଏସ୍, ଏଚ୍ ୟୁ ଏମ୍ ଓ ୟୁ ଦେଇଦେଇଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଇନକରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଥିଲା। ହ୍ୟୁମରସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମରସ୍ ହେଉଛି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜିରାଫ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାଇଲଗ୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା ସହିତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।